हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारा आज का टॉपिक है पत्नी का फर्ज पार्ट 3। सो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे बिहाइंड द सीन्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अरे मीना कहाँ गई, दिखाई क्यों नहीं दे रही है? ये ऐसे कर दी ऐसे। हाँ मीना रुके, आ रही हूँ। लगता है तेरा झगड़ालू बाप आ गया। मम्मी थोड़ी देर बाद जाइए ना, मेरा इतना सारा होमवर्क है। हाँ हाँ पहले तेरा होमवर्क करा देती हूँ फिर जाती हूँ। इसे एक बार बुलाने से कभी नहीं सुनती है। मीना आते है या नहीं? लगता है आज ये मार खा के ही मानेगी। लो महारानी अपनी बेटी को पढ़ा रही है। इसे अपने पति की चिंता नहीं है, इसे अपनी बेटी की चिंता है। मीना तुझे थोड़ी सी भी अकल नहीं है? जब पति दिन भर काम कर थक कर घर आता है तो उसे खाना देना चाहिए। वो मैं आ ही रही थी पर गुड़िया का होमवर्क खत्म नहीं होना था इसलिए रुक गई। ओ अच्छा, महारानी को पति से ज्यादा होमवर्क ही पड़ी है। तेरी बेटी का होमवर्क तू रात भर बैठ कर सकती है, पर तुझे मेरी परवाह कहाँ? रुकिए मैं ले आती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, एक घंटे तक मैं बैठा था तब तो तू नहीं आई। अभी नाटक दिखा रही है? नहीं नहीं मैं ले आती हूँ। वो जाना नहीं चाहिए, तेरा खाना तू ही खा। मम्मी मत रोइए। क्यों है ये तू यहाँ पर? ये लीजिए नाश्ता। नहीं खाऊंगा मैं, तू ही खा ले। ऐसा मत बोलिए, मुझे माफ कर दीजिए कल के लिए। अभी आई ना तुझे अकल, दे लीजिए। सुनिए ना, वो बेटी के स्कूल का फीस भरना तो कुछ पैसे दीजिए ना। मुझे पता था कुछ ना कुछ गड़बड़ है, वरना तू मेरे साथ इतने प्यार से बात करती। नहीं है मेरे पास पैसे वैसे, स्कूल भेजने का क्या जरूरत है उसे? घर में बैठकर रसोई का काम सिखाया कर उसे, पढ़ लिख के क्या करेगी? करना तो उसे चूल्हा चौकी है, फालतू चीजें के लिए मेरे पास पैसे वैसे नहीं है। तूने ही उसे जोर जबरदस्ती स्कूल भेजा था ना, अब तू ही भर उसके स्कूल के फीस। हाँ भरूंगी, आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी आपको अपना कर्तव्य निभाना कहाँ आता है। ज्यादा बोलती है। मत रोइए मम्मी, पापा हम लोग को इतना तंग क्यों करते हैं? मीना थोड़ा चीनी दे देना। अरे तू रो रही है, क्या हुआ मीना? क्या हुआ? क्या बताऊं तुझे? बताना, मैं भी तो तेरी छोटी बहन जैसी हूँ ना, बताना। वो बेटी के स्कूल का फीस भरना तो कुछ पैसे दीजिए ना। ज्यादा बोलती है। अरे वो पैसे नहीं दे रहा है तो तू खुद काम करके बेटी का स्कूल का फीस भर दे। अभी अचानक मुझे कौन काम देगा? तू चिंता मत कर, मैं जहाँ काम करती हूँ तू भी वहाँ काम कर, बहुत अच्छा है और तनख्वाह भी अच्छी मिलती है। सच? हाँ चल ठीक है बेटी, तू स्कूल चले जाना। हाँ हाँ नाश्ता करके चले जाना, मैं काम में जा रही हूँ। हाँ हाँ जल्दी चल। पापा अब आ गए। हाँ आ गया। तेरी माँ कहाँ गई? तेरी माँ को बुला। मम्मी बगल वाली आंटी के साथ काम करने गई है। क्या, उसे काम करने की परमिशन किसने दी? अच्छा पति घर में नहीं रहता है तो वो अपना मनमर्जी करेगी, आने दे उसे घर, फिर बताता हूँ। पापा आप मम्मी को ऐसा क्यों करते हैं, क्यों मारते हैं? तू चुपचाप बैठ, अब माँ के साथ बेटी की भी जुबान चलने लग गई। अपनी पढ़ाई कर, बड़ों के बीच में बोला नहीं करते। आ गए मैम साहब काम करके। किससे पूछे तू काम करने गई थी? तूने मुझे पूछा काम करने जाने से पहले? नहीं पूछा, मैं आपको पूछना भी जरूरी नहीं मानती। तू अपने हरकतों से बाज नहीं आएगी ना? मुझे अपने बेटी का स्कूल का फीस भरना था इसलिए मैं काम करने चली गई, अगर आप देते तो नहीं जाती मैं। अच्छा तो तू पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है? हाँ मैं अपने बेटी के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। अच्छा तो ले। मम्मी आपको ये चोट कैसे लगी? कल तेरे पापा ने मारा मुझे। चलो ना मम्मी घर छोड़ के चले जाते हैं, आप कितने दिनों तक पापा का अत्याचार सहन करोगी? है क्या करूं गुड़िया, उपाय नहीं है, सहन करना ही पड़ेगा। ओए मीना चल काम पर। अरे मीना तू रो रही है? मीने मैं नहीं रो रही हूँ। तो ये चोट तुझे कैसे लगी? ओ ये तो मैं बाथरूम में फिसल गई थी। मम्मी आप क्यों झूठ बोल रही हो? क्या क्या हुआ?
पापा ने मम्मी को मारा है। पर क्यों? काम करने जाने के लिए। आज से मैं नहीं जाऊंगी, तू चली जा। तू कब तक घुटघुट के जीती रहेगी? मेरी बात मान, तू उसे डिवोर्स दे दे। क्या? मैं उसे डिवोर्स कैसे दे सकती हूँ? क्यों नहीं दे सकती? अब तो तेरे हाथ में नौकरी भी है, तू कमा भी सकती है और बेटी को खिला भी सकती है और पढ़ा भी सकती है। ये करना सही रहेगा क्या? बिल्कुल सही रहेगा। हाँ मम्मी, पापा को डिवोर्स दे दीजिए। देखा, अब तो बेटी ने भी बोल दिया। चल मैं तुझे वकील से मिलवाती हूँ और डिवोर्स पेपर बनवा देती हूँ। चल चल। मीना यहाँ भी नहीं है, कहाँ भूल जाने गई होगी? जरूर काम करने गई होगी और बेटी को भी साथ में लेके गई। मेरे मना करने के बावजूद भी वो काम करने चली गई। बहुत पंग निकल आए है ना इसके। आने दो इसके घर, फिर बताता हूं मैं इसको। कहाँ गई थी तू? मैंने तुझे मना किया था ना काम में जाने के लिए, फिर तू क्यों गई? मैं काम पे नहीं गई थी। तो फिर कहाँ गई थी? जहाँ भी जाओ आपको क्या? ज्यादा जुबान जान लग गई है तेरी तो। बस बहुत हुआ, शर्म नहीं लगती बीवी को मारते हुए? पति के नाम पे कलंक है तू, कलंक। बिचारी को मार मार के हालत खराब कर दिया, फिर भी ये चुप रही। पर मैं चुप नहीं रहूंगी, ले इस पे साइन कर। ये क्या है? चुप, बिल्कुल चुप। खबरदार तू कुछ बोला। ये क्या है? डिवोर्स पेपर है, इस पे साइन कर दे और इन दोनों को बंद दे। ये क्या बोल रही है मीना? ये सही बोल रही है, मुझे आपसे छुटकारा चाहिए। बहुत सहन कर लिया मैंने और मेरी बेटी ने, और सहन करने की मेरी क्षमता नहीं है। मैं जा रही हूँ और बेटी को भी साथ में लेके जा रही हूँ, तू इस डिवोर्स पेपर पे साइन कर देना। मुझे माफ कर दे मीना, मैं आइंदा से ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा, तू मुझे छोड़ के मत जा। ये तो तुझे बहुत पहले सोच लेना चाहिए था, अब कुछ नहीं हो सकता, छोड़ मेरा हाथ। चलिए मम्मी चलो। अब मैं कैसे जीऊंगा, किसके लिए जीऊंगा? So guys, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमारे बिहाइंड द सीन्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम आईडी प्रशांत यूट्यूबर को भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।